अद्य अहम् वाराणसी नगर्याम भवताम मध्ये उपस्थिता सन् अति प्रसन्नताम अनुभवामि। मुझे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नायक जी की पुस्तक चराइवेती चराइवेती के संस्कृत संस्करण की पहली प्रति भेंट की गई। इस प्रति को प्राप्त करके मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। मैं इस अवसर पर श्री राम नायक जी को तथा संस्करण के प्रकाशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को हार्दिक बधाई देता हूँ। निरंतर गतिशील रहने के संदेश को श्री राम नायक जी की पुस्तक बहुत रोचक संस्मरणों के जरिए प्रसारित करती है। इस पुस्तक में सम्मिलित संस्मरणों को पढ़कर निरंतर गतिशील रहने के साथ साथ निरंतर सीखते रहने और देश तथा समाज के लिए कुछ करते रहने की प्रेरणा सदैव मिलती है। आधुनिक युग में भी वाराणसी की संस्कृत विद्वता की परंपरा का पूरे देश में आदर होता है। लगभग 250 वर्ष पहले यहाँ स्थापित की गई काशी विद्वत परिषद आज भी सक्रिय है। संस्कृत भाषा में उपलब्ध किसी भी शास्त्र के किसी भी पक्ष के विषय में किसी प्रकार का संदेह होने पर यह परिषद अपना निर्णय देती है और इस परिषद का निर्णय सर्वमान्य होता है। वाराणसी एक ऐसी नगरी है जिसको कुछ विशेष गौरव प्राप्त हुआ। इसका मैंने सुबह भी उल्लेख किया था अपने उद्बोधन में। यहाँ की धरती ने केवल और केवल ये वाराणसी की ही धरती है जहाँ की धरती ने अपने उनके सपूतों को 5-5 भारत रत्न उपलब्ध हुए। यहाँ की धरती ने प्रदेश को मुख्यमंत्री दिए और सबसे बड़ी बात जिसका उल्लेख किया गया कि लोकसभा में जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो देश के आज प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, कहने को बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन ये कालचक्र जो होता है वो हमें भी खींच रहा है कि जल्दी समाप्त करिए, आपको आगे जाना है और जिसका कि हम सब लोग सीख रहे हैं चराइवेती चराइवेती उसी तो मेरे लोग बार बार कह रहे थे कि आपको 5:30 बजे से आपको यहाँ से हर हालत में टेक ऑफ कर लेना है। श्री राम नायक जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। वे लोकसभा के सदस्य थे और एक कुशल मंत्री के दायित्व का निर्वहन करते रहे। उन दिनों मैं राज्यसभा का सदस्य था, संयोग से हम दोनों ही एक साथ राज्यपाल भी रहे। मुझे कई बार लखनऊ राजभवन में उनका आतिथ्य स्वीकार करने का अवसर मिला, अभी भी मिलता है। उनकी आत्मीयता सदैव प्रेरणादायी होती। श्री राम नायक जी ने अब तक लगभग 5 दशकों के अपने सार्वजनिक जीवन में अपनी नेतृत्व क्षमता, कर्तव्यनिष्ठा, विनम्रता, नैतिकता और सादगी की एक अलग छाप छोड़ी। वे 5 बार लगातार मुंबई से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र में सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों के लोग बसे हुए हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश, जिसकी वो बार बार चर्चा करते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी मुंबई में उनके निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहते हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश के लोगों से उनका जुड़ाव भी पुराना है। उन्होंने केंद्र में पेट्रोलियम और रेल मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कुष्ठ पीड़ितों, मछुआरों, मुंबई के लोकल रेल यात्रियों तथा झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए विशेष उल्लेख भी कार्य। और सबसे बड़ी बात ये कि जब उन्होंने मुंबई में महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर वीमेन एक महिला ट्रेन चलाने का जो श्रेय जाता है वो केवल और केवल राम नायक जी को है। इस पुस्तक में अपने बहुआयामी जीवन के संस्मरणों को देशवासियों को साथ के साथ साझा करके श्री राम नायक जी ने एक अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। उनके अनुभवों से ये स्पष्ट होता है कि वो प्रत्येक परिस्थिति में चुनौतियों तथा सफलता और असफलता के से बिना प्रभावित हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। गीता में जो एक निहित वाक्य कहा गया है,
उपदेश के रूप में कर्मण्ये वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सदैव वो कर्म, हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे और बिना उन्होंने किसी भी फल की आकांक्षा के। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई होगी, जितनी मुझे प्रसन्नता हुई उससे आपको कम नहीं हुई। मुझे विश्वास है कि चरैवेति चरैवेति पुस्तक के सभी संस्करण हर वर्ग के पाठकों को, विशेष रूप से युवाओं और जन सेवकों को प्रेरणा प्रदान करते रहे। मैं श्री राम नायक जी के दीर्घ स्वस्थ और यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। जय।